प्रेम का प्रथम वचन, दो प्रेमी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैं पहला पग तो ले ही सकती हूँ ना कृष्ण? प्रेम जो जाने, प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम का दूसरा वचन, जब प्रेमी खो जाए तो अपना प्रेम पुनः पाने के लिए समस्त संसार ही क्यों ना खोजना पड़े। खोजो अपने प्रेम के लिए, हर संभव प्रयास करो और प्रेम संबंध को परिशुद्ध रूप से अनंत तक निभाओ। हमारे उसी संबंध को मैं निभा रही हूं कृष्ण, मैं दूसरा पग ले रही हूं। प्रेम का तीसरा वचन, अपने प्रेमी के मन से प्रेम करो, तन से नहीं। और हमारी सात पग की दोरी का ये वचन तन से है, मन से नहीं। और मैं तो तुमसे मन से प्रेम करती हूं ना कृष्ण, तो मैं ये तीसरा पग क्यों नहीं ले सकती? प्रेम का चौथा वचन, यदि प्रेम में प्रेमी अनुचित मार्ग पर चला जाए तो बल से ही सही। प्रेमी को रोकना प्रथम धर्म, और जहां अनंत प्रेम हो वहां दूरी दूरी रखना तो अनुचित होगा नहीं। प्रेम का पांचवा वचन, दो प्रेमियों को सदैव एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिलाना चाहिए। और अब जब मैं अपना वास्तविक स्वरूप जान चुकी हूं कि कृष्ण दिव्य है और उसने मेरे भीतर की दिव्यता को जागृत किया है, तो मैं पांचवा पग अवश्य बढ़ाऊंगी। प्रेम का छठा वचन, यदि दो प्रेमी किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर हो जाए तो इनके प्रेम में लीश मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। हर क्षण एक दूसरे के दुख को हरने की यातना करनी चाहिए। इसी कारण मैं ये छठा पग ले पा रही हूँ कृष्ण, क्योंकि सात पग की दूरी से भी इस प्रेम में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ा, अब ये तो और बड़ा है। इसी दूरी से तुम्हें दुख पहुंचा है और मैं इस छठे पग से इस दूरी को दूर कर रही हूँ। प्रेम का सातवा वचन, समय आने पर प्रेमी को अपने प्रेम के लिए कुछ भी करना होगा, वही तो मैं कर रही हूँ कृष्ण, सदा सदा के लिए ये दूरी मिटा रही हूँ।